For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा हक है और मैं रिसर्चर न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी डिजीज़ COVID-19 की, जो इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये किससे फैली, इसकी इससे कैसे रुका जा सकता है, ये हमारी बॉडी में कैसे नुकसान करती है। इसके अलावा मैं बात करूँगी कि इसके जो प्रिवेंटिव मेजर है न्यूट्रिशन वाइज, हम वो कौन से प्रिवेंटिव मेजर अख्तियार कर सकते हैं जिससे इस डिजीज से बचा जा सकता है। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। इसमें मैं न्यूट्रिशन के दो फेज की बात करूंगी, एक उस सूरत में कि अगर ये हमें डिजीज नहीं हुई है, हम वो कौन से प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन हम यूज करें जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और हम इससे बच सकते हैं। दूसरे फेज में मैं बात करूंगी कि अगर खुदा ना खास्ता हमें ये डिजीज COVID-19 हो जाती है तो हम इसमें कौन से न्यूट्रिशन जो है वो यूज करें जिसमें हम इसको, जो न्यूट्रिशन हमें सपोर्ट कर सकती है इसमें अपने इसको क्योर करने में। तो इसके आखिर में मैं बात करूंगी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की, जिसके साथ हम इस डिजीज को ओवरऑल जो है काउंटर करेंगे। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। तो सबसे पहले तो मैं एक आपको बताऊंगी कि कोरोना वायरस से आपने डरना नहीं है बल्कि इससे लड़ना है। कोरोना वायरस जो है ये वायरस जो है सबसे पहले अटैक करता है, किस तरह से अटैक करता है, इन्फेक्टेड पर्सन से अटैक करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो इसकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं उसमें आपने फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना है, सोशल डिस्टेंस जो है वो अपनाना है, और जब स्नीज या कफ आने की सूरत में आपने इसे कवर करना है, और इसके अलावा सैनिटाइजर यूज करना है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स में मैं बताती चलूँ कि इसकी में बुखार का होना, बॉडी एक्स मतलब मसल्स में पेन दर्द का होना, और शॉर्ट ब्रीथिंग जो है वो इसके सिम्टम्स हैं। इसके अलावा गले का ख़राब होना और खुश खांसी का आना इसके जो बेसिक जनरल सिम्टम्स हैं। इसके अलावा बॉडी टू बॉडी इसके सिम्टम्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। तो अब मैं बात करती हूँ कि इस सबसे पहले तो आप ये देखें कि प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से आप अथेंटिक जो साइट्स हैं, हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट को सुने। इस वक्त गवर्नमेंट जो है हमें कह रही है घरों में रहें, तो हमने घरों में रहना है, हमने घरों में रहकर जहाद करना है। घरों में रहकर जहाद कैसे होगा, एक तो हम खुद इस डिजीज से बचेंगे घर में रहने से, दूसरा हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं होगी। एक जो मोमिन है, एक मुसलमान जो है वो खैर में रहता है। खैर में कैसे रहता है कि ना वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए ना उसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे। तो इस वक्त हमारा घर में रहना खैर है, और हमने एक दूसरे से खैर की बात करनी है, किसी को परेशान नहीं करना, बल्कि हमने एक दूसरे को मोटिवेट करना है जिससे हमारी विल पावर इंक्रीज होगी। हम इंशाल्लाह इस डिजीज से फाइट करेंगे और इससे निकलेंगे। अभी मैं आती हूँ इसमें न्यूट्रिशन के हवाले से, मैं बताना चाहती हूँ कि ये कौन कौन से जो लोग हैं इसको ज़्यादा जो है ससेप्टिबल हैं, जिनमें ये ज़्यादा होता है, उनमें बच्चे आगे, बुजुर्ग आगे। इसके अलावा वो लोग जो किसी भी किस्म की क्रॉनिक डिजीज का शिकार है या मेडिकेशन पे हैं जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है, और वो लोग जो मैल नॉरिश हैं, जिनमें BMI जिनका वेट कम है या खुराक की कमी है, वो लोग भी इस डिजीज में मतलब वो ज़्यादा शिकार होते हैं, इस वायरस में ज़्यादा वर्कआउट होते हैं इस वायरस की वजह से। तो इसके बाद मैं बात करूंगी कि हमने इससे कौन सी न्यूट्रिशन है जिसको इस्तेमाल करके हमने इससे बचना है। सबसे पहले हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी बॉडी को जो बाहर वाले जो हमारे टॉक्सिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे जिनको जिनके खिलाफ ये फाइट करता है, वो हमारा इम्यून सिस्टम है। तो इम्यून सिस्टम को आपने कंट्रोल करके इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपको ये बीमारी नहीं है और आप हेल्दी हैं, तो आप जो है वो कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसको जिसमें आप देखिए, सबसे पहले जो है हमें एनर्जी सोर्स की ज़रूरत होती है। एनर्जी सोर्स जो है हम दालों से ही जो है हमारी जो एनर्जी है बेसिक वो हम दालों से, गंदम से, चावल से, चक्की के आटे से, मतलब कि इन चीज़ों से हम अपना जो है बेसिक एनर्जी सोर्स जो है पूरा करते हैं। अब इस एनर्जी सोर्स को हमारी बॉडी में जो चीज़ें रिलीज करती हैं और यूटिलाइज करने में हेल्प करती हैं वो हैं विटामिंस एंड मिनरल्स। ये वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें विटामिंस एंड मिनरल्स हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से एक रिव्यू देती हूँ आपके न्यूट्रिएंट्स का, जो बेसिक और जिसको मैं कहूँगी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। उनमें विटामिन सी है, विटामिन ए है, आयरन एंड कॉपर है, फोलेट है, जिंक एंड सेलेनियम है, इसके अलावा उसमें विटामिन डी है,
और जो सबसे जरूरी है बी कम्प्लेक्स, उसमें B6 और B12 की जो है वो भी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। और आखिर में फैटी एसिड्स के बारे में मैं बताऊंगी, इसमें फैटी एसिड जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। तो ये जो है बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इनको हम कहाँ से ले सकते हैं, एक मैं जनरली मैं आपको बताऊंगी, आप सब्जियाँ और फल खाएं, मौसमी सब्जियाँ और फल ज़्यादा खाएं, जिसमें आप फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, जिसमें आजकल ऑरेंज है, विटामिन सी का रिच सोर्स है, आप शकरकंदी खा सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स हैं, और नट्स ले सकते हैं, नट्स के अलावा आप सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें पम्पकिन सीड हो गया, और इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी मकदार में न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स एंड मिनरल मौजूद होते हैं, पम्पकिन सीड हो गया। और इसके अलावा आप इसमें ऐड कर सकते हैं फ्लैक्स सीड्स ऐड कर सकते हैं, चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं आती हूँ उस तरफ जिन लोगों को ये डिजीज़ हो जाती है, जो कोरोना वायरस में जिनको हो अटैक कर देता है जिनकी बॉडी पे, अब वो वीक हो जाते हैं, बीमारी जो है वो कैसे फैलती है बॉडी में, और वो कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं न्यूट्रिशनल वाइज जिनके जरिए से हम इस डिजीज में फाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये बीमारी जो है हमारे नाक और मुंह से हमारे गले में, और उसके बाद हमारी जो है सांस की नाली से फेफड़ों तक जाती है। तो अगर हमें ये बीमारी हो गई है तो इस सूरत में आपने ज्यादा से ज्यादा डिहाइड्रेशन से अपनी बॉडी को बचाना है, लिक्विड्स लेने हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की टीज ले सकते हैं, जिंजर टी हो गया, हल्दी की चाय बना के पी सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें यखनी ले सकते हैं, जिसमें चिकन की यखनी बना सकते हैं, फिश ले सकते हैं, फिश की यखनी ले सकते हैं, मतलब बीमारी के दौरान जो चीजें आप ज्यादा ले सकते हैं वो आप लिक्विड डाइट ज्यादा लें। इसके अलावा मैं अगर ये कहूंगी रोटी के बजाय अगर आप उसको यखनी के अंदर ब्रेड के पीसेस डिप करके लें वो भी बेस्ट है, और दलिया अगर बनाना है तो वो भी पानी में लिक्विड फॉर्म में, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो पतली होनी चाहिए। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। तो ये सारी चीजें हेल्प आउट करेंगी जो आपकी जो स्पूटम को जो है आपकी बलगम जो है उसको पतला करने में हेल्प करेंगी, और डिजीज को जो है इससे क्योर होने में आपकी हेल्प आउट करेंगी ये न्यूट्रिशन। इसके अलावा आपने प्रोटीन जो है वो इंक्रीज करनी है इसमें, क्योंकि इसमें प्रोटीन का सोर्स, इसमें आपने अंडे की सफेदी लेनी है, ठीक है, इसमें आपने अंडे की सफेदी ऐड करनी है। और इसके अलावा आप जूस, इसमें विटामिन सी जो है जूस ले सकते हैं। बीमारी के दौरान आप कोशिश करें दूध और दही का, ये मैं कस्टमाइज कर रही हूँ कि दूध और दही का इस्तेमाल बीमारी के दौरान, अगर आपको कोरोना वायरस हो गया है, आप इस इन्फेक्शियस डिजीज में ये डिजीज आपको हो गई है कोविड-19, तो फिर आपने कोशिश करें कि दूध और दही का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि दूध और दही जो है वो ये जो हमारा बलगम है इसको थिक करता है। तो इसका इस्तेमाल कम करें, इंशाल्लाह ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इनको आप फॉलो करें, और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें, जिसमें आपने एक बात जरूर करनी है, आपने अपने आप को बार बार ये रियलाइज कराना है कि इंशाल्लाह आप इस बीमारी से रिकवर हो जाएंगे, आप इसको शिकस्त दे देंगे, आप बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि अल्लाह ताला आपके साथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के साथ। और आखिर में मैं आती हूँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ में, जिसमें मैं आपसे कहती हूँ, क्योंकि ऐसे जैसे गवर्नमेंट बार बार हमें कह रही है हमने घरों में रहना है, तो घरों में रहने की वजह से हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, हम देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, हमने जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, तमाम मील्स उनके टाइम पर लेने हैं, और अपनी एक्सरसाइज की तरफ भी ध्यान देना है। अब एक्सरसाइज घर में आप रह के कौन सी कर सकते हैं, इसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट होगी, कॉर्टिसोल लेवल लो रहेगा, और जो है आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहेगी, और आपका इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। इसके अलावा आपने स्मोकिंग को जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं या ड्रग यूज करते हैं, प्लीज उसे बिल्कुल तर्क कर दें। प्रोसेस फूड आपने नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना, फैटी फूड नहीं खाना, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बुरी तरह से डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करना है, आपने मजीद ये करना है कि आपने अपने आप को ये बार बार रियलाइज दिलाना है कि आप जो हैं वो एक बहादुर कौम से हैं, आप मुसलमान हैं, आप इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं, आपने अल्लाह ताला के साथ जुड़ना है, उसका तरीका है आपने अस्तगफार करनी है, अस्तगफार करने से अल्लाह ताला हमें बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल देगा। और अब तो साइंस भी इसको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करती है कि जब आप फॉरगिवनेस अल्लाह ताला से मांगते हैं, अपने अलमाइटी से पावर के सामने झुकते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, दूसरों को माफ
करते हैं तो अल्लाह ताला जो है आपको आपका साथ देता है, और ये फीलिंग आपके अंदर आती है कि आपकी बॉडी में एक मोड होता है जिसमें कॉर्टिसोल लेवल डिक्रीज हो जाता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। तो आपने ये सारे काम करने हैं, इंशाल्लाह हमने इस डिजीज को, इस वायरस को हराना है और इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे की जो है हिम्मत और जो है वो बनने और एक दूसरे को मोटिवेट करें। शुक्रिया। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।